मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है, माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की।